हैव अ क्वेरी राइट, जहां पे हम देखते हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर आपको ऐड करना है एज पर योर कंपनी रिक्वायरमेंट, राइट। हर एक कंपनी का क्लोजिंग पीरियड कुछ अलग होता है, राइट, और मे बी फाइनेंशियल ईयर किसी का अलग होता है। तो वो विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल फॉर्मूला इन एक्सेल कैसे ऐड करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। Alright, welcome to the computer screen, guys. This is the basic data which I have. I'll analyze this data with the help of PO table first. Okay, and then existing worksheet over here. I wanted to show this particular data. Right, I'll click here. जिसे मैं क्लिक करूंगा मुझे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेगा एंड देन सेल्स पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ डेटा मुझे इस तरह से शो करेगा। जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो 11 में क्वार्टर टू यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर रहा है। बट व्हाट आई वांट, मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है जुलाई ऑनवर्ड्स, राइट। तो मुझे जुलाई ऑनवर्ड्स जो डेटा होगा, ठीक है, वो मुझे डिस्प्ले करे। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले। यहाँ पे हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना होगा, इज इक्वल टू ईयर, ठीक है। पहले हम इसे फेच कर लेते हैं वैल्यूज को, ईयर एंड देन इज इक्वल टू मंथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, राइट। यहाँ पे ऐड करा मैंने, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर डंप। अब इसे इसमें जो मैंने फॉर्मूला ऐड करा है, आइदर आप यहाँ से जाके शो फॉर्मूला भी कर सकते हो जैसे आपको फॉर्मूला दिखे, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट करके फॉर्मूला ऐड करने के बाद इस पर्टिकुलर सेल का आप फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है, विच आई लव टू डू इट, ठीक है। ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे माय फाइनेंशियल ईयर, मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा जुलाई ऑनवर्ड्स जो स्टार्ट होगा मेरी कंपनी के लिए, तो मैं वो डेटा मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं वही फील्ड ऐड करूंगा मेरे पीओ टेबल के अंदर, राइट दोस्तों। इज इक्वल टू ईयर दिस वैल्यू, करेक्ट, प्लस मंथ एंड देन अगेन दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7, करेक्ट, एंड देन दिस ब्रैकेट इज बीन क्लोज्ड, एंटर पे प्रेस करो, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको कुछ एक वियर्ड वैल्यू शो होगी, ठीक है। जैसे थोड़ा जूम कर देता हूं, ये कुछ इस तरह से आपको शो होगी, करेक्ट, वियर्ड वैल्यू। तो व्हाट यू नीड टू डू, होम पे क्लिक करना है, डेट फंक्शन में होगा, इसे कन्वर्ट करना है हमें जनरल में, ठीक है। तो 7 ऑनवर्ड्स जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपका 22 में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर, राइट। अगर मैं इसे 6 कर रहा हूं तो यहां पे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन चेंज होगा, ठीक है। अब इसे मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे ले रहा हूं ताकि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो। मैं ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्चुअली इसलिए मैं ये फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन एज पर यूर कन्विंस यू कैन ऐड द पीओ टेबल देन, ठीक है। माय फाइनेंशियल ईयर ऐड करने के बाद ड्रॉप डाउन आपको ऐड करना होगा, ठीक है। अगर चाहिए तो पहले इसे कॉपी करके वैल्यूज में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ एंड देन पीओ टेबल्स एग्जिस्टिंग पीओ टेबल यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। माई फाइनेंशियल ईयर, राइट, एंड देन सेल्स, वट एवर सेल्स यू हैव, ठीक है। फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर वॉट आई हैड द सेल्स। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल गाइज, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक्स।